राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जुलाई 2016 को चिकित्सक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 के लिए डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित किए। यह पुरस्कार चिकित्सकीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क शुरू। भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क 30 जून 2016 को शुरू किया गया, जिसकी मदद से थल सेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए परिस्थिति के अनुसार जानकारी साझा करेंगे। सामरिक एवं अत्यंत सुरक्षित रक्षा संचार नेटवर्क DCN की पहुंच लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर और द्वीप क्षेत्रों तक पूरे भारत में है। DCN का निर्माण HCL ने करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत किया है। यह नेटवर्क देश भर में फैले 111 प्रतिष्ठानों को कवर करता है और उच्च गुणवत्ता वाली आवाज वीडियो डेटा सेवाएं मुहैया करवाता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अध्यापक शिक्षा पोर्टल प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 30 जून 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अध्यापक शिक्षा पोर्टल प्रशिक्षक का शुभारंभ किया। प्रशिक्षक को जिला प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान DIIT को सशक्त करने और देश की शिक्षा प्रणाली में श्रेष्ठ अध्यापक प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षक का शुभारंभ सिर्फ DIIT के लिए किया गया है, लेकिन यह भविष्य में खंड स्तर की संस्थाओं में भी लागू होगा और शिक्षा प्रणाली में जड़ से कमियों की पहचान करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। रेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने 30 जून 2016 को औपचारिक रूप से निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सेवारत कर्मचारियों और पूर्व रेल कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। यह एक बार शिकायत निवारण पोर्टल है। यह ऑनलाइन प्रणाली कर्मचारियों को अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए और उनकी प्रगति पर नजर रखने की सुविधा देती है। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस जीती। ब्रिटिश के ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 3 जुलाई 2016 को स्पिलबर्ग ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री रेस जीती। लुइस हैमिल्टन ने 1 घंटा 27 मिनट 38.107 सेकंड के समय के साथ रेस जीती। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन दूसरे, जबकि फेरारी के किमी रोकेनेन तीसरे स्थान पर रहे।